राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर पॉइंट्स टेबल में लंबी छलांग लगा ली है। जहां सातवें नंबर से पांचवें नंबर पर पहुंच चुकी है राजस्थान रॉयल्स, तो वहीं पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले आईपीएल 2021 के नए पॉइंट्स टेबल के बारे में। सभी टीमों ने अब तक 7 मुकाबला खेल चुके हैं और कौन सी वो 4 टीमें हैं जो प्ले ऑफ में क्वालिफाई करेंगे और कितना पॉइंट चाहिए प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए, मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को। दोस्तों, अगर आप फैंटेसी लीग ड्रीम 11 खेलते हैं या फिर आईपीएल के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो जाइए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो आइए, चलो देखते हैं आईपीएल 2021 के नए पॉइंट्स टेबल के बारे में। 8वें नंबर पर है सनराइजर्स हैदराबाद। अब तक इस सीजन में 7 मैच खेली और 7 मैचों में से सिर्फ एक ही मैच जीत पाई है। 2 पॉइंट के साथ ये टीम 8वें नंबर पर है। अभी आने वाले अगर 7 मैच जीती है तो ही प्लेऑफ में टीम क्वालिफाई कर पाएगी। वहीं 7वें नंबर पर है कोलकाता नाइट राइडर्स। शाहरुख खान की टीम इस साल काफी खराब फॉर्म में चल रही है, जहां अब तक 7 मैचों में से सिर्फ 2 ही मैच जीत पाई है और 4 पॉइंट के साथ ये टीम 7वें नंबर पर है। आने वाले 7 मैचों में से इस टीम को लगभग 6 मैच जीतने होंगे प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए, तो काफी जरूरी है 6 मैच जीतना। 6ठे नंबर पर पहुंच चुकी है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स का इस साल परफॉर्म काफी खराब चल रहा है, जहां अब तक 7 मैचों में से 3 मैच जीती है। वहीं 6 पॉइंट के साथ ये टीम 6ठे नंबर पर है। अब आने वाले 7 मैचों में से इस टीम को 5 मैच कंफर्म जीतने होंगे प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए। वहीं अगर हम 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स का परफॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है और आज के मुकाबले में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करने के बाद ये टीम सीधा 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है और नेट रन रेट भी काफ़ी बेहतरीन कर लिया है। 6 पॉइंट के साथ ये टीम 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है। वहीं अगर हम बात करें टॉप 4 की तो 4थे नंबर पर है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस का परफॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है, वहीं अब तक 7 मैचों में से 4 मैच जीतकर 8 पॉइंट के साथ ये टीम 4थे नंबर पर है। अब आने वाले 7 मैचों में से 4 मैच और जीतने होंगे प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए। वहीं हम 3रे नंबर की बात करें तो 3रे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अब तक 7 मैच खेली और 7 मैचों में से 5 मैच जीत चुकी है, यानी कि 2 मैच ही हारी है इसी में। 10 पॉइंट के साथ ये टीम 3रे नंबर पर है, लेकिन नेट रन रेट माइनस में होने की वजह से ये टीम 3रे नंबर पर है। वहीं 2रे नंबर की बात करें तो 2रे नंबर पर पहुंच चुकी है जो टीम, वो है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल आईपीएल 2021 के सीजन में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करते आ रही है। अब तक 7 मैचों में से 2 ही मैच हारी है और ये टीम 10 पॉइंट के साथ 2रे नंबर पर है। वहीं नेट रन रेट भी प्लस में +0.25 है। बात करते हैं नंबर 1 की तो नंबर 1 पर है चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग का आईपीएल 2021 में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म चल रहा है, जहां अब तक 7 मैचों में से टोटल 5 मैच जीत चुकी है टीम। 10 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर बनी हुई है, क्योंकि इस टीम का नेट रन रेट बाकी 2 टीमों से बेहतर है, यानी कि दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से नेट रन रेट बेहतर होने की वजह से ये टीम नंबर 1 पे है। ये पॉइंट टेबल जो सभी टीमों ने 7 मैच खेलने के बाद, यानी कि 28 मैच के बाद, ये नया पॉइंट टेबल है। वैसे दोस्तों, अब प्ले ऑफ में जो 4 टीमें पहुंचेंगी, जैसे कि दिल्ली कैपिटल, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग, ये 3 ऐसी टीमें हैं जो लगभग प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएंगी अगर 3 मैच और जीतती हैं। तो दोस्तों, वहीं 4थे पायदान के लिए काफ़ी ज़्यादा अटैक रहने वाला है, जहां मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमें लाइन में खड़ी हुई हैं, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ऑलरेडी प्ले ऑफ से लगभग बाहर हो चुकी है, क्योंकि आने वाले 7 मैचों में से 7 मैच इस टीम को जीतने होंगे। अगर 7 मैच ये टीम एक भी हारती है तो लगभग प्ले ऑफ से सनराइजर्स हैदराबाद हार जाएगी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने कैप्टन भी चेंज कर दिया है और डेविड वार्नर की जगह केन विलियमसन नया कैप्टन बने हुए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी वो 4 टीमें रहने वाली हैं जो आईपीएल 2021 के प्ले ऑफ में क्वालिफाई करेंगी? क्या फिर कोलकाता या फिर राजस्थान रॉयल्स? ये 4था पायदान कौन सी टीम लेने वाली है, वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच guys for watching this video।